हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मैं आदर्श आपके लिए लाया हूँ GST के टॉप 10 क्वेश्चन. तो चलिए शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, GST बिल को पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड. जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. और फ्रेंड्स, ये लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं. जैसे कि आपने देखा, UP SSSC के एग्जाम में ये पूछा गया था. तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, आसाम. आसाम जो है GST बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य है. अगर बात आती है लागू करने की, GST को किसने सबसे पहले, किस राज्य ने लागू किया है, तो वो है तेलंगाना ने सबसे पहले लागू किया है. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, GST लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड. जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. और फ्रेंड, से UPSSL के एग्जाम में पूछा गया था. तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, फ्रांस. विश्व का प्रथम देश है फ्रांस, जिसने GST सबसे पहले लागू किया था. अगर बात आती है भारत की, तो भारत हमारा 161वें नंबर पर है. 161वें नंबर का देश है जिसने GST लागू किया है. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का GST मॉडल किस देश के GST मॉडल पर आधारित है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड. जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. और फ्रेंड, ये BDO की परीक्षा में पूछा गया था. तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, कनाडा. कनाडा देश का जो GST मॉडल है उसी पर आधारित है हमारे देश का GST मॉडल. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, GST परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड. जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, दिल्ली. दिल्ली जो है हमारे GST परिषद का मुख्यालय है. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, GST लागू करने वाले देशों में भारत कितने नंबर पर है? फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड. जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. और फ्रेंड्स, एक खंड विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया था. आपको याद होगा, अभी मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले बताया है. तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 161वें. मतलब GST लागू करने वाले देशों में भारत हमारा 161वें नंबर पर है, हमने ऊपर अभी बताया था. चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड. जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. और फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था. तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, विजय केलकर समिति. विजय केलकर समिति ने GST लागू करने का सुझाव दिया था. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, GST पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड. जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. और फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था. तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 15. 15 नंबर होते हैं GST की पंजीकरण संख्या में. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, GST कितने प्रकार का होता है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड. जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. और फ्रेंड, से दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था. तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 3. GST 3 प्रकार का होता है, एक SGST, एक CGST और एक IGST. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, GST बिल राज्यसभा से कब पास हुआ था? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड. जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 8 अगस्त 2016 को GST बिल राज्यसभा से पास हुआ था. अगर बात आती है लोकसभा में कब पास हुआ था, तो 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास हुआ था. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है. चलिए फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संविधान संशोधन के तहत GST लागू किया गया है? फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है. जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 101वें संविधान संशोधन के तहत देश में GST लागू किया गया है. और फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में भी पूछा गया था. आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा. तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स. धन्यवाद.